Ladies and gentlemen, your host for tonight's show. Miss me. Welcome to the new episode of the Late Night Coverage Show. Wow! केसरिया पूरा इंटरनेट अभी केसरिया हो गया है। इंस्टाग्राम रील्स हो चाहे यूट्यूब हो चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स हो, केसरिया तेरा इश्क है पिया, या चाहे एक्सपोज चैनल्स हो, सब केसरिया की बात कर रहे हैं। एक्सपोज चैनल्स इसलिए क्योंकि इंटरनेट हमारा बहुत तेज है। इंटरनेट ने सिर्फ 2 मिनट में पता लगा लिया ये सॉन्ग कहाँ से ढापा गया है। सॉन्ग 41 की लास्ट लोकर करके एक मूवी आई थी का सॉन्ग है, एंड ये सॉन्ग पाकिस्तानी सॉन्ग का रीमेक था। yes, मतलब एक रीमेक सॉन्ग की ट्यून ढाप के ओरिजिनल सॉन्ग बना दिया। मतलब एक ही ट्यून को इतना घुमाएंगे कि वो घूम फिर के तो इंडियन बन ही जाएगी। एंड ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी काफी बार हो चुका है ये, जैसे ये सॉन्ग भाई सॉन्ग काफी प्यारा है, सिवाय वो लव स्टोरिया वाली लाइन को छोड़ के। कितनों की लव स्टोरिया। तो अगली न्यूज आ रही है सुष्मिता सेन और ललित मोदी की। ये सुष्मिता सेन जो हमारी फॉर्मर मिस यूनिवर्स रह चुकी है, ये सारे इंटरनेट पर अभी इन्हीं के चर्चे हैं। तो आपको तो पता ही होगा ललित मोदी ने ट्विटर पे कुछ पिक डाल दिया था सुष्मिता सेन के साथ कुछ दिन पहले कि वो डेट कर रहे हैं, जल्द ही शादी भी करेंगे। तो सुष्मिता सेन ने इस चीज के ऊपर कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन ललित मोदी जी अपने बायो में ये डाल दिया, @ सुष्मिता सेन लव। ये क्या निब्बा वाली हरकत है। मुझे तो लगता है ये उनमें से अगर 2 दिन सुष्मिता ने रिप्लाई नहीं दिया ना, नस काटने की धमकी दे देगा। ना नहीं, दिल है हमारा, ना नहीं। उसके आप कितने भी बड़े करोड़पति बन जाओ, जब आपको अपनी ड्रीम गर्ल से प्यार हो जाता है तो आप निब्बे ही बन जाते। बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा है। एनीवेज यार निब्बागिरी बंद करो ललित सेठ, समझा, बहुत पैसा है मेरे पास। आपने देश में IPL लाया था, अच्छा लगता है ये सब करते हो तो। बढ़ते बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट में, यूपी इज ओपी। सुनीला की मारद के ना नाम लिया। यूपी इज ओपी, जहाँ पर हम लाते हैं यूपी उत्तर प्रदेश से मजेदार से। तो यूपी में आज न्यूज है गोंडा डिस्ट्रिक्ट की। तो ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी, एक किसान ने एक्चुअली बारिश ना होने की वजह से किसी पर केस कर दिया। जानते हो किस पर केस किया? इंद्रदेव। Yes, उसने भगवान पर केस कर दिया। तो एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, गोंडा में तहसीलदार का जब कारनामा, इंद्रदेव के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई, पड़े ही आगे कार्रवाई के लिए भेजा गया। अच्छा, ओ माय गॉड, बहुत लेट देख ली क्या? मेरे साथ साथ जिन लोगों का नुकसान ऊपर वाले की वजह से हुआ है, उन सब के पैसे भी ऊपर वाला ही दे। हेलो, कौन? अक्षय कुमार। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं बनानी है बायोपिक भाई। नहीं नहीं, ओ माय गॉड, थ्री नहीं नहीं। अरे तुम मूंछ भी नहीं उगाते हो यार असली, तुम नहीं, हमको नहीं चाहिए था। तो किसान ने इंद्रदेव के खिलाफ शिकायत की थी। वो भी क्या करे भाई, इतनी गर्मी धूप, पर्सनली मेरे को तो पसंद नहीं, पसीना वसीना होता है, दुर्गंध आती है। स्पेशली आप में जब जिम जाते तो बॉडी ओडर का प्रॉब्लम तो रहता ही है। मेरी तो पास में बड़ी बेइज्जती हुई है बदबू की वजह से। अब ये दुर्गंध बॉडी ओडर किस वजह से होता है आपको पता है? हमारे अंडरआर्म्स में होते हैं बैक्टीरिया, जैसे हम स्वेट करते हैं बैक्टीरिया स्वेट से मिलकर पॉटी कर देते, ऐसे दुर्गंध पैदा होती है। अब नॉर्मल मार्केट के डिओड्रेंट क्या करते हैं, दुर्गंध पे खुशबू चिपका देते, बदबू तो छुप जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद वापस स्वेटिंग होती है, जो बैक्टीरिया के साथ मिलकर वापस बदबू फैलाएगा, और नहाने से भी कुछ नहीं होता क्योंकि स्वेटिंग तो वापस होनी है। अब ये बॉडी ओडर के माया जाल से बचने के लिए मैं यूज करता हूँ एक्स का ड्यूअल एक्शन डिओड्रेंट, कि इसमें जिंक टेक्नोलॉजी जो बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है, ग्रो नहीं करने देती, तो ये बॉडी ओडर को दूर रखता है। अब नाम ही ड्यूअल एक्शन है, तो एक तो ये बॉडी ओडर को दूर रखता है और दूसरा एक लॉन्ग लास्टिंग खुशबू देता है, एंड इसकी फ्रेग्रेंस तो भाई इतनी बेहतरीन है कि क्या बताऊं। सीधा
अंडरआर्म्स पे चेस्ट पे लगाओ और पूरे दिन यू विल स्मेल ग्रेट एंड अट्रैक्टिव एंड साथ में कॉन्फिडेंस भी आएगा, चाहे आप डेट पर जाओ, पार्टी हो या कोई मीटिंग या सिर्फ घूमने मॉल में आए तो भी यार अच्छे स्मेल करो। एंड इसके अलग अलग वेरियंट है जिसमें मैं प्रीफर करता हूँ एक्स सिग्नेचर पंप स्प्रे, बिकॉज मैं प्रीफर करता हूँ गैस नहीं चाहिए भाई, एंड इसकी इंटेंस सुगंध तो खबरेश भाई ये सब हम लेके कैसे घूमे। इसके लिए एक्स टिकट है ना, ये देखो ये पॉकेट में रह जाता है और कहीं भी लेके घूम सकते हो इसको। देखो बात सिंपल बताता हूँ, एक्स लगाओ, बदबू भगाओ, फ्रेग्रेंस जगाओ। किसी को नहीं पसंद कि सामने वाले इंसान में से बदबू आए, है ना, आपको पसंद है नहीं ना, तो ये बदबू को मस्त दूर भगाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मैंने जरूर देख लेना। अगली न्यूज आ रही है हैदराबाद से। तो हैदराबाद में एक लड़की के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी गई है। यस, कंप्लेंट इसलिए फाइल किया क्योंकि वो मेट्रो में, हैदराबाद मेट्रो में डांस कर रही थी। को पब्लिक न्यूसेंस करने के लिए बुक किया गया, मेरे को तो लगा खराब डांस करने के लिए किया है। मतलब ऐसा डांस करने के लिए पनिशमेंट भी नहीं होनी चाहिए, इसको डांस नहीं माना जाता, ये किस एंगल से डांस है, पब्लिक को एंटरटेन कर रही है। और मुंबई, मुंबई, मुंबई के एक बीच ने बोल दिया बस हो गया तुम लोग का, जितना भी कचरा तुम लोग ने फेंका है मेरे अंदर ये वापस ले लो। बीच ने एक वेव के साथ सारा कचरा वापस किनारे पे फेंक दिया। फनी थिंग इज कि उधर भी लोग बैठे किस चीज का आनंद ले रहे हो, कचरे की सुगंध का। बोलते हैं ना मुंबई शहर कभी सोता नहीं, द सिटी नेवर स्लीप्स, वो ठीक है लेकिन कचरे में तो मत बैठो, इससे अच्छा घर पे जाके सो जाओ। मुंबई की बात चली रही है तो बात करते हैं मुंबई के दादर की। तो भी आपको तो पता ही है कि पेट्रोल प्राइसेस क्या है स्पेशली मुंबई में। तो ऐसे में चलते एक स्विगी वाले को देखा गया घोड़े पे फूड डिलीवर करते हुए। घोड़े से, हाँ भाई साहब मेरे को समझा पेट्रोल महंगा है लेकिन घोड़े को भी कुछ खिलाना पड़ता होगा ना। ऐसा लग रहा है किसी ने शाही थाली या शाही पनीर मंगाया होगा, तो भाई साहब कुछ शाही तरीके से ही जा रहे हैं फूड डिलीवर करने। मैं तो सोच रहा हूँ जब ये घोड़ा भगाता होगा पीछे रखे खाने का क्या हाल होता होगा। पिज्जा का भाई लजानिया बन जाता होगा। क्या करें भाई, करना पड़ता है। तो अगली न्यूज आ रही है अहमदाबाद से। तो अभी रिसेंटली आपको पता है कितनी बारिश हो रही है मुंबई गुजरात में, तो ऐसे में अहमदाबाद में सिर्फ 2 घंटे की बारिश में एक रास्ता, एक रोड जो कि सिर्फ 1 महीने पहले बनाया था, सड़क धस गई और वहां का तालाब, वहां पर तालाब नजर आने लगा। ये तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली है, ये देखें आप। बताया जा रहा है कि सड़क 1 महीने पहले ही बनी थी। भाई मुझे नहीं पता था रोड नीचे से खोखला होता है, 5 मिनट नहीं लगे स्विमिंग पूल बनने रोड का। बनाया किसने रोड, हाँ टिचकुले कॉन्ट्रैक्टर्स। ये क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तेरे बाप की बारात जाने वाली इस रोड पे रोड़ी और बजरी बीच में मत डाल, बोला था ना अगर रोड के बीचों बीच रोड़ी और बजरी नहीं डालोगे तो गाड़ियाँ सीधे पाताल में घुस जाएंगी। हाँ भाई थोड़े के लिए बच गया वरना लोग पाताल में ही चले जाते सीधा। एनीवेज बढ़ते बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट की ओर, चुम्बेश्वरी सब चुम्बेश्वरी साउथ में। आज न्यूज है तमिलनाडु की। तो रोड की बात चली रही थी, अगेन तमिलनाडु में एक मस्त सीमेंट की रोड बन रही थी। यस डेवलपमेंट। और रोड पे एक्चुअली एक बाइक खड़ी थी, तो ऐसे में जनरली क्या करेंगे, बाइक को हटा के कहीं और रख देंगे, लेकिन वो तो नॉर्मल लोग करते हैं। मजदूर लोग ने सोचा, एक्चुअली कुछ नहीं सोचा, सीमेंट डाल दिया। टिचकुले कॉन्ट्रैक्टर। इतना आलसी कोई कैसे हो सकता है भाई। एक अच्छा काम हो गया, अभी उसकी बाइक चोरी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं, परमानेंटली लॉक्ड। बट अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कोई गलती से नहीं हुआ है, ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि बाइक के नीचे देखो सीमेंट कितनी अच्छी तरह से लगाया हुआ है। अगर इतनी मेहनत करनी थी तो बाइक उठा के ऊपर रख देते सीढ़ी पे। लेकिन नहीं, वो तो नॉर्मल लोग करते, चुम्बेश्वरी साउथ के लोग नहीं।
गजब आदमी है यार, बस सताना है लोगों को। मुझे सताने में अगर तुझे मजा आता है तो ये मजा मंजूर है। तो बढ़ते बढ़ते हमारे सेगमेंट में, एक बिहारी सब पे भारी। एक बिहारी सब पे भारी में आज न्यूज है बिहार के नालंदा से। तो वहां पर एक शादी होने वाली थी, तो शादी होने वाली थी तो लड़की वालों ने दहेज में दूल्हे को कुछ कपड़े दिए थे। यस, और उसे बोला था कि शादी के दिन ये कपड़े पहनना। दूल्हा ठहरा सख्त, दूल्हे ने वो कपड़े नहीं पहने। दूल्हे के माँ, उनकी बहन सब ने समझाया कि पहन लो, लेकिन फिर भी दूल्हे ने नहीं पहना। तो पता है लड़की वालों ने क्या किया? लड़की वालों ने दूल्हे को पीट दिया। अजीब जबरदस्ती है यार। दूल्हे का नाम था सूरज, सूरज अस्त कर दिया। बेचारे दूल्हे के माँ चाची भाई आए, बचाने दूल्हे को, उनको भी पीट दिया। भाई सेगमेंट का नाम हमारा एक बिहारी सब पे भारी है, सब बिहारी एक पे भारी नहीं। बढ़ते बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट की ओर, इंटरनेशनल छपरी। इंटरनेशनल छपरी में आज न्यूज है यूएस से। यूएस में एक मिस्टीरियस क्रीचर, एक अनोखा जीव देखा गया पार्किंग लॉट में। यस, उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। अब लोग कंफ्यूज है, ये जानवर है, ये एलियन है, ये ह्यूमन है, क्या है ये? देखने में तो बड़ा भयानक लग रहा है। मैं भी रात को ऐसे ही घूमता हूँ, किचन में खाना ढूंढने जाता हूँ जब। बट बात ये है कि पार्किंग लॉट में क्या ढूंढ रहा है ये? उनको ढूंढ रहा है जिन्होंने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया। डू सब्सक्राइब, ओके? एंड कमेंट से बताओ आपको क्या लगता है, ये क्या चीज है, ये रियल है या फेक है? अगर आपके पास भी ऐसी कोई न्यूज है तो आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट एक्स डिओड्रेंट रेंज। सिंपल है, एक्स लगाओ, बदबू भगाओ, फ्रेग्रेंस जगाओ। क्या बात है? लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। दैट्स इट, दैट्स इट फॉर टुडेस एपिसोड ऑफ द लेट नाइट खबरें शो। जल्दी जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्टे सेफ।